हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की रेसिपी है अरहर दाल विद अ ट्विस्ट। जी हाँ, तो आपने अरहर की दाल या जिसको सांभर की दाल भी बोलते हैं वो खाई होगी, उसी को हम एक ट्विस्ट के साथ बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अरहर की दाल ले ली है और इसको सोक करने के लिए रख दिया है पानी में। आप इसको 20 से 25 मिनट तक के लिए सोक कर लीजिए। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करके कुकर में सीटी लगाने के लिए डाल दीजिए, जो आपको आगे दिखेगा। यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से धो लिया था एंड उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया है। एंड वाटर ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। इसके बाद हम कुकर को बंद करके 2 सीटी लगाने के लिए रख देंगे, क्योंकि अरहर की दाल ज़्यादा पक जाती है तो आप 1 सीटी से भी काम चला सकते हैं। बट हमें चाहिए कि दाल पूरी प्रॉपरली कुक हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम पैन के अंदर ऑयल डाल लेंगे एज पर योर टेस्ट। एंड उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे, खड़े मसाले जो होते हैं हमारे। तो पहला है हमारे पास मस्टर्ड सीड्स। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स ऐड कर दिए हैं, इसको सरसों भी बोलते हैं। फिर मैंने मेथे दाने ऐड किए हैं। अब हम ऐड करेंगे हींग। हींग से बादी नहीं होती है, हींग डाइजेशन में भी हेल्प करता है। फिर हमने ऐड किया है यहाँ पे लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो लाल मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड उसके बाद हम प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज आप चॉप करके रख लीजिए, प्याज, टमाटर, और अगर आप कोई और वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो एग्जैक्टली अरहर की दाल में आप नॉर्मल तड़का लगाते हैं, इसमें ये है कि आप गाजर, गोभी, आलू, जो भी सब्जी आपके बच्चे नहीं खाते हैं, आपके घर में लोग नहीं खाते हैं, वो आप इसके अंदर मिक्स करके एक ऐसी दाल बना सकते हैं जो प्रोटीन रिच हो और जो विटामिन रिच हो, मिनरल रिच हो, एंड जो आपकी बॉडी में जाके इफेक्ट करे तो अच्छा इफेक्ट करे। दैट्स वाई रिकमेंड मेकिंग दिस दाल। दूसरा, इस दाल का ये ट्विस्ट है कि ये सांभर जैसा टेस्ट करने वाली है। राइट गाइस, सांभर आपने खाया, सांभर तो काफ़ी पतला होता है, ये तो थोड़ी गाढ़ी होने वाली है, बट इट्स टेस्ट एग्जैक्टली लाइक सांभर। यहाँ पे तो मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था, कड़ी पत्ता होता तो और भी अमेजिंग बनती। आप आगे देखते जाइए मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया है, आपको पता चल जाएगा। यहाँ हमने अब टमाटर भी ऐड कर दिया है एंड इसको अब अच्छे से कुक होने देंगे। हमें इंश्योर करना है कि टमाटर, प्याज, गाजर सब कुछ अच्छे से गल जाए और अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इनको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। अब गाइज मैंने यहाँ पे डाली है इमली का पेस्ट। अगर आपके पास इमली का पेस्ट नहीं है तो आप आमचूर डाल सकते हैं, वो जो टैंगीनेस होती है उसके लिए। और अगर आप उसको प्लेन रखना चाहते हैं या फिर आपको सांभर वाली दाल नहीं पसंद है, ऐसा टैंगीनेस नहीं पसंद दाल में, तो आप इमली और आमचूर दोनों स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी डाल दिया इसको डाइल्यूट करने के लिए। नाउ जो इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा सांभर मसाला। जी हाँ, सांभर मसाला, हम सांभर तो नहीं बना रहे हैं बट बिकॉज अरहर की दाल से ही बनता है तो सांभर मसाला तो इसमें ज़रूर डालिए। और कोई मसाले आपके पास हो ना हो, आप मार्केट से 10-20 रुपीज़ का सांभर मसाला ले आइए एंड उसी से आप पूरी दाल कुक कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इसको दाल, रोटी, चावल किसी के साथ भी खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। बल्कि अगर आप डोसा भी बना के खाना चाहें इसके साथ, आप डोसे के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी दाल बहुत अच्छे से गल गई है एंड दिस इज़ व्हाट वी वांटेड। मैं इसको अपने तड़के में डाल दूंगी एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल को तड़के के साथ। ये गाइस आप देख सकते हैं क्या अमेजिंग कलर आया है एंड जब ये बन के रेडी होगी इसका कलर और भी अच्छा दिखेगा। और गाढ़ी हो जाएगी इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया है, क्योंकि अभी जब बन जाएगी तो
उसके थोड़ी देर बाद ही और थिक हो जाएगी, तो थिकनेस अवॉइड करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड किया है। बाकी आप इसको पतली रखना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको पतली भी रख सकते हैं। लास्ट मैंने डाला है यहाँ पे नमक। नमक हमने पहले भी कुकर में थोड़ा सा डाला था, तो आप ध्यान से डालिएगा, नहीं तो आप एंड में भी नमक डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दाल बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई है और बहुत अच्छे से उबल गई है। यही सही टाइम है दाल को बंद करने का एंड इसको सर्व करने का। चलिए अब डालते हैं धनिया, जो सारे इंडियन हाउस होल्ड का फेवरेट इंग्रेडिएंट है। और धनिया से आपको पता ही है टेस्ट तो अच्छा आता ही है, बाकी दाल में कलर भी बहुत अच्छा आता है। आप किसी भी सब्जी को बनाएं धनिया ज़रूर डालिएगा। मेरी मदर कहती है धनिया से बढ़िया टेस्ट किसी सब्जी में नहीं आएगा, सब्जी जैसी भी बनी हो, बट धनिया से जो गार्निशिंग होती है, धनिए की जो स्मेल होती है, वो फ्लेवर एनहांस करती है किसी भी सब्जी किसी भी दाल का। तो ज़रूर धनिया ज़रूर डालिएगा। ये दाल हमारी बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो गई है। अब आप इसको चावल के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे प्लीज़ बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।